बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ए असम, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश या डी बिहार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया SDPO ने संभाला पदभार, निवर्तमान को दी गई विदाई। नवगछिया के नए SDPO दिलीप कुमार ने शुक्रवार को नवगछिया स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में पदभार संभाल लिया। दूसरी तरफ निवर्तमान SDPO प्रवेंद कुमार भारती को नवगछिया वासियों ने विभिन्न जगहों पर भावपूर्ण विदाई दी है। नवगछिया में मोहर्रम त्योहार को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। मोहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर शुक्रवार को नवगछिया पुलिस जिला के नवगछिया टाउन थाना, खरीक थाना, बीहपुर थाना एवं गोपालपुर थाना क्षेत्र में SDPO दिलीप कुमार, DSP मुख्यालय मोहम्मद इसरार अहमद के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं BMP के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। नवगछिया टाउन थाना से DSP मुख्यालय मोहम्मद इसरार अहमद के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों के द्वारा निकाला गया फ्लैग मार्च नवगछिया शहर के गौशाला रोड होते हुए उजानी से मक्खा तकिया के रास्ते थाना चौक तक गया। मौके पर नवगछिया थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा सहित रंगरा उपी प्रभारी राजेश राम, पर्वता थानाध्यक्ष रामचंद्र कुंवर, परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र कुमार, कदवा थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। खरीक में SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च खरीक थाने के मिर्जाफरी खरीक बाजार में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च कराया जा रहा है कि जिससे शांति व्यवस्था बना रहे, ठीक है, लोगों को मास्क लगाने का निर्देश और जो ऊपर से भी जो निर्देश है बिहार सरकार का भी उसको फॉलो करते ही मोहर्रम त्यौहार को शांतिपूर्वक। कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा सर? अभी हम लोग निकले हैं पूरा मार्केट बाजार जानी होते हुए आसपास जितना संवेदनशील जगह वह स्थानों को घूमते हुए हर तरफ फ्लैग मार्च होगा, ठीक है। यही हम लोग का संदेश है कि पुलिस के साथ आम जनता मिलकर शांति बनाए रखें और हम लोग भी पूरा सहयोग इसमें दें और सहयोग आप लोगों से दें। नवगछिया गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर के पदाधिकारी के साथ नवगछिया SDO ने की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर शुक्रवार को नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 153 गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर के पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचित पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में विधानसभा निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित 17 बिंदुओं पर सेक्टर के पदाधिकारियों से समीक्षा की गई। समीक्षा में उन्होंने संतोषजनक स्थिति नहीं पाते हुए पुनः सभी सेक्टर के पदाधिकारी को 17 बिंदुओं पर जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नवगछिया में मोहर्रम तैयारी पर 23 दंडाधिकारी एवं 102 स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी की हुई तैनाती।
मोहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नवगछिया अनुमंडल प्रशासन स्तर से सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है। त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर नवगछिया SDO इंजीनियर अखिलेश कुमार ने 23 दंडाधिकारी एवं 102 स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। SDO अखिलेश कुमार ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण के कारण सभी आयोजन समिति को तजिया जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया गया है। शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की गई है। त्योहार के दौरान भीड़ न लगे इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि त्योहार को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं दंडाधिकारी को भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था संधारण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था भंग करने वालों पर पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। विधि व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर प्रशासनिक स्तर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया गोसाई गांव में जल नल योजना का किया गया विधिवत उद्घाटन। गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाईगांव पंचायत के वार्ड संख्या 12 में कोरोना काल के बीच सोशल डिस्टेंसिंग में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नल जल योजना का विधिवत उद्घाटन किया गया। मौके पर गोपालपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका एवं BPRO सुजीत कुमार, वार्ड सचिव राजीव कुमार द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। मौके पर जितेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, प्रिंस कुमार, आकाश कुमार, संकेत शिवम, सत्यम शिवम, अरुण भगत सहित कई अन्य उपस्थित थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत गली नली और नल के जितने भी योजना है उनका उद्घाटन किया गया है। उसी उपलक्ष्य में ग्राम पंचायत गोसाई गाँव के गली नली का उद्घाटन किया गया। ये योजना कब से चल रही थी मैडम, इसका समय काल क्या था? 17 से शुरू है, अभी तक लगातार चल रहा था लेकिन अब खत्म कर दिया। गोसाईगांव पंचायत का ये पहला है कि इससे पहले उद्घाटन और किसी वार्ड का हो चुका है? नहीं, आज तो सभी योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, नल जल और नाली नली के तहत जितनी भी योजना है। आपका परिचय बताओ। मैं प्रखंड पदाधिकारी गोपाल सिंह, ग्राम पंचायत गोसाईगांव के 12 नंबर वार्ड में जल नल योजना का हमारे मुख्यमंत्री द्वारा और यहाँ के ग्रामीणों के लिए उद्घाटन किया गया, जो मेरे सभी ग्रामीणों के लिए सौभाग्य की बात है। आगे भी ऐसा विकास होता रहे इसके लिए बिहार सरकार और ग्राम पंचायत के मुखिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गोपालपुर विधानसभा का वर्चुअल सम्मेलन संपन्न। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा गोपालपुर विधानसभा के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कुंकुम देवी ने किया। बैठक में 156 महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बिहार प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष लाजवंती देवी सहित प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी और भाजपा नवगछिया जिला अध्यक्ष विनोद मंडल सहित कई अन्य शामिल हुए। स्पर संख्या 6 के अपस्ट्रीम में हुए कटाव को हाथी पांव से रोकने का काम जारी। इस्माइलपुर बिंटोली के बीच स्थित स्पर संख्या 6 के अपस्ट्रीम में 20 से 25 मीटर में हुए कटाव को रोकने हेतु हाथी पांव का उपयोग किया जा रहा है। बताते चलें कि स्पर संख्या 6 के अपस्ट्रीम में जल संसाधन विभाग द्वारा करवाया गया कटाव निरोधी कार्य 20-25 मीटर में ध्वस्त हो गया है। इसके पूर्व स्पर संख्या 9 के डाउनस्ट्रीम में भीषण कटाव हुआ था। मुख्य अभियंता इंजीनियर शशि शेखर पांडे ने बताया कि फिलहाल कटाव नियंत्रण में है। गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे कमी हो रही है। लगातार वर्षा व ट्रैक्टर चलने के कारण स्परों व तटबंध पर कीचड़ होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है, जबकि आवागमन बनाए रखने हेतु ईंट का टुकड़ा डालने का निर्देश दिया गया है। गोपालपुर 100 लोगों की गई जांच, एक भी नहीं मिले पॉजिटिव। गोपालपुर के बिनटोली स्थित स्पर संख्या 9 पर PSC गोपालपुर द्वारा शुक्रवार को 100 ग्रामीणों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया, परंतु कोई भी ग्रामीण कोरोना संक्रमित नहीं मिले। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। मास चेकिंग अभियान में 62 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 62 लोग बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3100 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। वहीं इस अभियान में 7 वाहन से 7000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया।
नवगछिया रालोसपा से भाजपा में हुए शामिल। रालोसपा पार्टी के बिहार के पूर्व युवा प्रदेश महासचिव राजीव पटेल और पूर्व में जदयू के श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव विपिन कुमार भारतीय जनता पार्टी में शुक्रवार को शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नवगछिया में शुक्रवार को जिलाध्यक्ष विनोद मंडल की उपस्थिति में दोनों युवा नेता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं दोनों युवा नेता का पार्टी जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने अंग वस्त्र से सम्मानित किया। खाट बिछाकर किया जल जमाव जन समस्या का विरोध। युवा भारत संगठन के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर विक्रांत वैभव के नेतृत्व में तुलसीपुर गांव के मुख्य सड़क पर कई महीने से जमे जल जमाव को लेकर विरोध में खाट बिछाकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर संगठन के सक्रिय सदस्य राजू राज, युवा भारत पंचायत प्रमुख रामायण कुमार, अंकुश कुमार, रोहन कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773 93043-67-170। नवगछिया, हथियार गोली के साथ चार अपराधी सहित संगीन मामले के चार आरोपी गिरफ्तार। भवानीपुर ओपी पुलिस ने छापेमारी कर हथियार, गोली एवं शराब के साथ चार अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी में भवानीपुर ओपी के बिरबन्ना निवासी साकेत कुमार, सोनी कुमार सिंह भीपुर थाना क्षेत्र के मड़वा जमालपुर निवासी मनीष कुमार एवं अंकित कुमार शामिल हैं। वहीं नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि बिरबन्ना चौक पर कुछ अपराधी हथियार के साथ जमा हुए हैं। सूचना मिलने पर भवानीपुर ओपी के सहायक अवर निरीक्षक परमहंस सिंह एवं पुलिस बल द्वारा छापेमारी कर सभी अपराधी को हथियार एवं गोली व शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गोपालपुर पुलिस ने मद निषेध मामले में अभियुक्त सैदपुर निवासी बम सिंह को गोपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया पुलिस ने शादी की नियत से अपहृत लड़की को भी बरामद कर लिया है, जबकि आरोपी युवक झंडापुर ओपी के ओलियाबाद निवासी गोपाल झा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666 हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आच, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787, 7325052437।